स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहीद हुए वीरों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। आयोजित सम्मान समारोह में शहीदों को नमन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि वाइस चेयरपर्सन रेड क्रॉस सुषमा गुप्ता मौजूद रही। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद की प्रेसिडेंट निधि अग्रवाल, डॉक्टर अंजलि जैन भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। इस मौके पर सभी ने माना कि सैनिकों का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। इस मौके पर तिरंगे और गुब्बारे से जगह को सजाया गया और बच्चों ने भी इस खास कार्यक्रम पर राष्ट्रीयता की भावना के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। यहाँ पे ट्यूलिप क्लब फरीदाबाद ने रेड क्रॉस के साथ मिलके जो शहीदों की विधवाएं हैं, माएँ हैं, उनकी उन वीरांगनाओं को स्वागत, उनका बहुत सम्मान करा है। उनका सम्मान जितना करें उनको हमारी तरफ से शत-शत नमन उतना ही कम है। आज जो हम चैन की नींद सो रहे हैं उन्हीं शहीदों की बदौलत सो रहे हैं, जो हमारे भाई बंधु सारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमको चैन की सांस, उनकी सांस गई, हमको चैन की सांस दे के जा रही है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ट्यूलिप क्लब ने जो मेहनत करी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी इनके जो भी प्रोग्राम हुए हैं, मैं कई बार गई हूँ, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। एक लेडीज होने के नाते ये काफ़ी अच्छा, घर से निकल के बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए। ऐसे ही सामाजिक कार्यों में रेड क्रॉस का और भी सहयोग देने को मिलता रहेगा? नहीं, रेड क्रॉस का सहयोग तो आपको हमेशा ही मिलेगा, आप किसी भी फील्ड में होंगे रेड क्रॉस को हमेशा आगे पाएंगे। ये हमारा क्लब है रोटरी ऑफ ट्यूलिप और मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ, डॉक्टर निधि अग्रवाल। तो ये हमारा एक दिल को छूने वाला प्रोजेक्ट है जिसे हार्ट टचिंग कहते हैं हम। हम हर साल वीरांगनाओं को बुलाते हैं जो कि वॉर फाइटर जो होते हैं, उनकी मदर होती हैं या वाइफ होती हैं, तो जो भी लव ऑफ टोकन हम उनके लिए कर सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं हम करें। एक छोटा सा सेलिब्रेशन बहुत इंटीमेट लोगों के साथ करते हैं। आज जैसे यहाँ रेड क्रॉस की चेयरपर्सन हरियाणा सुषमा जी आई हुई हैं, रेड क्रॉस का सपोर्ट है, रेड क्रॉस से हमारे पास कई सारे मेंबर्स आए हुए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट टीम से आरजी एजी हमारी अंजलि जैन आई हुई हैं, बाकी हमारा सारा क्लब ट्यूलिप्स क्लब। और हम चाहेंगे कि हर साल हम ऐसे ही करें, बहुत अच्छा लगता है थोड़ा बहुत भी कुछ करके इन लोगों के लिए। ये एहसास मेरे दिल को बहुत छू गया है, मुझे आज यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है। आज हम उन भाग्यशाली हिंदुस्तानियों में से हैं जो आज़ाद भारत में जी रहे हैं और जिन शहीदों की बदौलत ये दिन हम देख रहे हैं, उनको मैं शत-शत नमन करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। और इन वीरांगनाओं को, माताओं को हम क्या दे सकते हैं, बस इनके सम्मान में जो सर झुक गए हैं, जो इनकी हमने स्टोरी सुनी है, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ।